हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप मैथ्स में। एक लंबे समय अंतराल के बाद आज मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर के आया हूँ, टाइम एंड डिस्टेंस, समय तथा दूरी। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसका जो बेसिक कंसेप्ट है, पहले कंसेप्ट बाद में दूंगा, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर आज फॉर्मूला बताने वाला हूँ। और जो जो फॉर्मूला मैं बताऊंगा उस फॉर्मूला से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद मैं आप लोगों को कंसेप्ट बताऊंगा, कंसेप्ट बताने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आपका चार फॉर्मूला दिया हुआ है। पहला है चाल, चाल जिसको हिंदी में हम लोग गति भी, चाल हमारा हिंदी ही है और इसको हिंदी में गति भी कहते हैं, ठीक है। चाल को हम लोग गति भी कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो चाल बराबर जो होता है वो दूरी बटा समय होता है, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर हम समय को उठा करके चाल के पास ले आए और चाल को समय के पास पहले भेज दे, तो एक फॉर्मूला हमको मिलता है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, यानी कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। उसके बाद अगर थर्ड फॉर्मूला का बात करें, तो इस चाल को उठा करके आप यहां पर ले आइएगा तो इनटू हो जाएगा, तो दूरी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, चाल गुना समय, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसके बाद आता है बारी औसत चाल का, जिसको हम लोग अंग्रेजी में एवरेज स्पीड कहते हैं। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वह 2xy/x + y होता है, बट ये किसी खास कंडीशन के लिए ही ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। वो कंडीशन क्या है, जैसे मान लीजिए एक बिंदु ए से बी तक कोई जाता है, ठीक है, मान लीजिए x गति से, और वापस रिटर्न हो रहा है, ठीक है ना, इसी डिस्टेंस को वो वापस y गति से रिटर्न हो रहा है। इस केस में अगर हमको इस व्यक्ति का, जो व्यक्ति a से b जा रहा है वापस b से a आ रहा है, इस व्यक्ति का एवरेज पूछा जाएगा, तो हम लोग इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। ध्यान रखिए यहाँ पर जाने का जो समय है और आने का, सॉरी जाने का जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस वापस भी वो आ रहा है, तभी ये फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा, अदरवाइज फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन था, सॉरी फॉर्मूला था, चाल बराबर दूरी बटा समय, इसका यूज कैसे करेंगे। तो देखिए, एक आदमी 250 मीटर चौड़ी सड़क 75 सेकंड में पार कर लेता है, उस आदमी की गति कितनी है, गति बोले तो चाल कितनी है। तो चाल बराबर क्या होता है हमारा, दूरी बटा समय, यहां दूरी कितना है 250 और समय हमारा क्या है 75 है, ठीक है। अब यहां पर आप लिख दीजिए 250 और नीचे में आप लिख दीजिए 75, इसको आप सिंपली सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम इसको 25 से काटेंगे, तो 25 दिया 75 और ये 10 बार में आ जाएगा 250, तो हमारा आंसर जो निकल कर आएगा 10/3 मीटर पर सेकेंड निकल कर आएगा। बट हमारा ऑप्शन में ये दिया हुआ नहीं है, ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ और डेसिमल में दिया हुआ है, तो पहले इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो ये 3 × 9 = 1/3, यानी कि 3 पूर्णांक 1/3 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर होगा, जो आपको यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन में गिवन है। आगे बढ़ते हैं सेकेंड फॉर्मूला की ओर। दूसरा फॉर्मूला में क्या है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, हमें समय बराबर क्या है, दूरी बट्टा चाल होता है। चलिए क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, एक आदमी 150 मीटर चौड़ी सड़क को 5 मीटर/सेकेंड की गति से पार करता है, उस आदमी द्वारा सड़क को पार करने में लिया गया समय आपको बताना है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल, हमारे पास दूरी है 150 और चाल है हमारा 5 मीटर/सेकेंड, 150 को 5 से भागा दे दीजिएगा, 30 बार में कट जाएगा, यानी कि इस व्यक्ति को सड़क पार करने में 30 सेकेंड का समय लगेगा। आगे बढ़ते हैं थर्ड फॉर्मूला पर, तो थर्ड फॉर्मूला क्या है, दूरी, दूरी बराबर चाल गुना समय। अगर आपको दूरी निकालना है तो सिंपली चाल और समय को क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, ठीक है ना। तो एक आदमी 3 मीटर/सेकेंड की चाल से 15 सेकेंड तक चलता है, उसके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर चाल है 3 मीटर/सेकेंड और समय है हमारा 15 सेकेंड, हमको निकालना है दूरी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो हमको क्या करना होगा, 3 × 15 करना होगा, तो 15 × 3 = 45 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 45 मीटर का हमारा दूरी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, औसत चाल का बात यहाँ पर किया जा रहा है। तो औसत चाल का फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था, 2xy/x + y। क्वेश्चन देखिए कैसा रहेगा, संदीप अपने घर से स्कूल जाता है 10 मीटर/सेकेंड की स्पीड से या चाल से, तथा वापस 8 मीटर/सेकेंड के चाल से आता है, इस पूरी यात्रा में संदीप की औसत चाल ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, जितना दूरी स्कूल से घर का है उतना ही दूरी घर से स्कूल का है,
यानी कि यहाँ पर जो व्यक्ति के द्वारा चला जा रहा है, मतलब जाया जा रहा है और वापस आया जा रहा है, दोनों ही एक समान दूरी है, इसलिए यहाँ पर हम लोग इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एवरेज स्पीड यहाँ पर निकालने के लिए क्या करना होगा, दो गुना एक्स, एक्स के बदले यहाँ पर 10 लिखना होगा, गुना वाई, वाई के बदले यहाँ पर क्या लिखना होगा, 8 लिखना होगा, और नीचे में 10 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 18 हो जाएगा। इसको आप काट दीजिए, 2 9 18, ठीक है ना। हमारा क्या आएगा, 10 को 8 से गुना करेंगे 80, 80/9 आएगा। इसको फ्रैक्शन में बदल लेते हैं या डेसिमल में बदल लीजिए, तो 9 8 8 बार में 72, 9 8 72 8 बार में 72, फिर हमारा बच जाएगा 8/9, यानी कि 8 पूर्णांक 8/9 हमारा मीटर पर सेकेंड आंसर निकल कर आएगा।